माइक था तो बोल, बहुत खुशी की बात है कि आज वो दिन आ गया। 2014 में वोट नहीं दे सका क्योंकि मैं अस्पताल में था विलायत में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैं आपके पास खड़ा हूं। मगर अफसोस इस बात का भी है कि जहां ये कहते हैं कि कोई पत्थर नहीं चल रहा है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई बायकॉट नहीं है, वहां मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर पार्टी के और ख़ासकर हमारी पार्टी के वर्कर्स को, सीधा सीधा वर्कर्स को इन्होंने इन दो दिनों में बंद कर रखा है। एक तरफ से ये कहते हैं कि इलेक्शन बहुत आज़ादी से हो रहा है, तो मुझे बताइए, मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, हमारे वर्कर्स को क्यों बंद किया गया? क्या वो डरते हैं कि वो हार जाएंगे? और वो ज़रूर हारेंगे, इंशाल्लाह हारेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम कामदार हैं, बाकी नामदार हैं। आनंद आप छोड़ दीजिए ना, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, वो कहने दीजिए। हमने तो नाम देके, बाकियों ने तो चलिए सिर्फ इल्ज़ाम लगाया, हमने तो आपको नाम दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, हमने थाने की डिटेल्स दिए हैं जिन थानों में उनको बुलाया गया है, और हमने अपने रिप्रेजेंटेशन में ये भी कहा कि हम ये 8 नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ये ना कहो कि हम बिना सबूत के बात कर रहे हैं। ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं था, इट वॉज़ एन इंडिकेटिव लिस्ट, इट वॉज़ टू शो दैट जो हम कह रहे हैं हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं। अब इंतज़ामिया की तरफ से ये फिर जवाब आया कि ये जी ऐसे ही बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन हमने तो नाम दे के आपको कहा, हमने थाने के डिटेल्स दिए, उस चीज़ का तो आप जवाब दे नहीं सके। हमने किसी एक पुलिस के अफसर के खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमने कहा कि ये इंतज़ामिया की तरफ से हो रहा है, और लगातार बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है ये रिपोर्टें आईं, यहाँ तक कि मेरे जो पोलिंग एजेंट्स और बाकी थे वो इतने डरे हुए थे रात को कि उनको पता नहीं कहाँ बुला के बंद किया जाएगा। कई सारे तो या तो दोस्तों या रिश्तेदारों के घर में सोए, कुछ तो उनमें से ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियों में सोए थे रात को, वो घर वापस नहीं गए। अगर यही इनका आज़ादाना तरीका इलेक्शन है तो फिर ये अपने घर में रखें इसको। डॉक्टर साहब, आपका एक देरीना तजुर्बा है, ये चीज़ आपने पहले भी देखी है, जो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक स्टेटमेंट आया था, अगर इलेक्शन कराना ही नहीं था फिर तो पहले ही क्लियर कर दे कि किनको जिताना है। यही तो मुसीबत है जो हम लोग बार बार कहते हैं कि दूसरे जो खड़े हैं उन्हीं के एजेंट हैं, उन्हीं की तरफ से खड़े हैं, आज लोग उनको दिखा देंगे कि कौन यहाँ पे है कौन नहीं है, कर लें जो करना है, फिर तो लोगों का भरोसा उठता है। लेकिन होता है, जरूर उठेगा। पार्टी भी इसी तरह की एलिगेशंस लगा रहे हैं कि उनके वर्कर्स को, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यही तो मुसीबत है। अपनी पार्टी के तरफ से इस तरह के इल्ज़ाम लगाना तो मजाक की बात है, क्योंकि ये किया ही जा रहा है उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए, और है कौन मरकज़ की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए? और ज़रा बताएं कौन से वर्कर, मैं फिर ये बात दोहराता हूँ ना, अब हमने तो कम से कम आपको नाम दिए, थानों के डिटेल्स दिए, वो ज़रा बताएं कौन है और किस थाने में लिया गया। अब चलिए, जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई, आज नया दिन है, अब उम्मीद करते हैं कि हमारे वर्करों को इस तरह तंग नहीं किया जाएगा। आज हम पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं, हमने अपने वोट का इस्तेमाल किया, हमारे साथ दो फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो पहली मर्तबा वोट डाल रहे हैं, ये पहली बार है कि हमारी फैमिली की 3 पीढ़ियां जो हैं एक साथ वोट डालने आए हैं। मैं यही उम्मीद करूंगा कि बाकी जगहों में भी इसी तरह अपने जमहूरी हक का जो है वोटर इस्तेमाल करें। अगर के ये कहा गया है कि कोई बॉयकॉट नहीं है, किसी तरह की वायलेंस नहीं है, किसी तरह का ख़तरा नहीं है, तो फिर बढ़ चढ़ के लोगों को जो है इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार यही एक जमहूरी तरीका है जिससे कि हम अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर सकें। ये चीज़ पहली बार हो रही है, कोई हड़ताल काल इस बारी नहीं है, कोई आज इलेक्शन के दिन को बस कॉल लेंगे। आप शाम तक वेट करके देखते हैं ना इसका कितना असर पड़ेगा। आप कहते हैं कि कोई बॉयकॉट कॉल नहीं है, ठीक है ना, अब नहीं है तो इसका वोटरों पे कितना असर पड़ेगा। आज शाम जब तक पोलिंग बूथ खुल रहे हैं तब तक देखें। अब जो देखिए, अब इस बार तो चलिए फिर आप मान के चले ना कि जो वोट में हिस्सा नहीं ले रहा है अपनी मर्जी से नहीं ले रहा है,
अब कितने वोटर जो हैं पुलवामा ज़िले में शुपियां असेंबली हलके से श्रीनगर से जो हैं कितने वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। मेरी तो सबसे मोतबाना गुजारिश यही होगी कि वो इस मौके को गवाएं ना, इस मौके का वो इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ जमहूरियत में यही एक तरीका है जिससे कि हम अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर सकें। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हो चुकी हैं जिनके बारे में वोटरों को अपनी राय जो है वो देनी होगी और ये एक तरीका है। मैं कैसे कह सकता हूँ क्या कन्वे करेगा, वो तो रिजल्ट कन्वे करेगा ना। मैं तो ये कहूँगा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट आया, क्योंकि हमने तो बार बार इस इलेक्शन में 5 अगस्त 2019 के हवाले से बात की, 370 को यहाँ से हटाने की बात की, जो हमारे साथ पिछले 5 साल में जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसका हमने जिक्र किया है। जाहिर सी बात है इंशाल्लाह जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जीतेंगे तो अक्सर बेशतर वोटरों की भी यही राय होगी जो हमारी है, लेकिन ये सवाल आप मुझसे तब पूछिए जब 4 जून को नतीजे होंगे।